हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में ट्रांसपोर्टर एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन दाड़ला घाट स्थित सीमेंट उद्योग के बंद होने से ट्रांसपोर्टर परेशान है, जिससे जिला के राजस्व पर भी आघात हो रहा है। यह बात सोलन जिला भाजपा अध्यक्ष आशुतोष वैद्य ने एक प्रेस बयान में कही। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद्य ने बताया कि सरकार सीमेंट उद्योगों व ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को सुलझाने में नाकामयाब साबित हुई है। इससे पूर्व भी विवाद उपजता था, लेकिन उसको सुलझा दिया जाता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार इस मसले को सुलझाने में नाकामयाब साबित हुई है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द इस मसले को नहीं सुलझाया गया तो भाजपा सड़कों पर उतरेगी। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंज की रिपोर्ट। हमारे सोलन जिला की आर्थिकी का यदि कोई आधार है, सबसे महत्वपूर्ण आधार यदि कोई है, तो पूरी तरह से ट्रांसपोर्टर है। चाहे मैदानी क्षेत्र नालागढ़ में जाओ, चाहे बद्दी में जाओ, चाहे अर्की विधानसभा का ज़्यादा क्षेत्र, लोग ट्रांसपोर्टर के व्यवसाय से यहाँ पे जुड़े हैं बड़ी मात्रा में। और मैं कहता हूँ जो प्रदेश में हमारी सरकार आदरणीय सुखू जी के नेतृत्व में जो सरकार प्रदेश में बनी है, वो इस मामले में पूरी तरह से विफल हुई है। इससे पहले भी ट्रांसपोर्टरों और इंडस्ट्री के विवाद आपस में चलते रहते थे, जिसका निराकरण करने का काम सरकारें करती आई हैं। इससे पूर्व में भी विवाद हुए और उनको सुलझाया गया, उनमें आपस में बैठ के समन्वय किया गया। पर मुझे दुख हो रहा है, आज लगभग एक महीना फैक्ट्रियों की तालाबंदी को हो गई, पर सरकार अभी तक हनीमून पीरियड में है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं, लाखों के लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन की तरफ से ये कहना चाहूँगा, अगर शीघ्र ही इसका निदान नहीं किया गया, सरकार की तरफ से प्राथमिकता नहीं की गई, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।